साहब बॉलिंग कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाकिर नानी के साथ अलेवन स्टार से वेलकम करते हैं शानदार और कांटेदार मैच जो कि अलेवन स्टार में खेला जा रहा है, डायमंड अकेडमी वर्सेस पेशावर नंगियाली जूनियर। डायमंड ने 153 पेशावर 152 किए हैं और ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर को 153 करने पड़ेंगे। 152 किए हैं और पेशावर नंगियाली जूनियर तरफ से आने वाले बैट्समैन जो का सामना करेंगे कामरान रनिंग पेशावर और आफ्ताब। पहला बॉल किया, अच्छा बॉल, और यहाँ पर पहली बॉल पर अंपायर का इशारा नो बॉल। वन फिफ्टी थ्री करने पड़ेंगे पेशावर नंगियाली जूनियर को। बॉलिंग के क्या सामना करेंगे कामरान स्टार्डिया बगर ने बर्दाश्त किया बॉल की और यहाँ पर एक और बॉल हवा में दो फील्डर जो लेकिन अच्छा कैच, एक रन का इजाफा हुआ और यहाँ पर आउट ऑफ श्रीनिवास किया उनका पिछली बॉल पर अंपायर का इशारा नो बॉल। जी विन है 153 का, 153 का टारगेट दिया है, 153 का टारगेट दिया है डायमंड अकेडमी ने 9 विकेटों के नुकसान पर। और आप सामना करेंगे आफ्ताब, एक रन का इजाफा हुआ, टारगेट 153 का है पेशावर नंगियाली जूनियर वर्सेस डायमंड अकेडमी। दोनों टीमें इसके मदे मुकाबल बॉल फर्स्ट कर रहे हैं डायमंड अकेडमी तरफ अटैक और पास से ट्राई लिया अंपायर का किया बॉल की और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइट बॉल। डायमंड अकेडमी की तरफ से आसिफ काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, पहले ने नो पैक की और उसका वाइड बॉल फेंक गए हैं, एक्स्ट्रा रन काफ़ी दे रहे हैं। फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे कामरान। सामना करेंगे कमरान आए बॉल की और यहाँ पर अच्छा कवर पे खेला सीधा फिल्टर के हाथ में, कोई रन का इजाफा ना हुआ, अच्छा कम बैक आसम ने किया और अच्छी बॉल डॉट पॉइंट में कामयाब हुए। और यहाँ पर लेग साइड से अंपायर का इशारा वाइड बॉल। चार बॉलर सामना करेंगे कामरान पेशावर नंगियाली जूनियर की तरफ से।
खुशाव नगर जूनियर ने टॉस विन किया और फास्ट बॉलिंग का फैसला किया और अभी सेकंड इनिंग शुरू। 153 करने पड़ेंगे यह मैच जीतने के लिए। 152 किए हैं पेशावर और डायमंड अकेडमी ने और यहाँ पर अच्छा कमरान के जानब से शॉट जो कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से था, चार रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर। दोनों बैट्समैन की तरफ से एक अच्छा आगाज बैटिंग का। बॉलिंग के लिए तैयार आसिम सामना करेंगे कामरान। अच्छा पॉइंट पे खेला लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन का इजाफा ना हुआ। एक और अच्छा शॉट कमरान की जानब से जियो सामने स्ट्रेट शॉट खेला, चार रन के लिए बाहर। बॉल गया भाई, क्या उम्दा शॉट खेला। एक ओवर के एक गांव पर 14 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। शानदार बैटिंग का आगाज दोनों बैट्समैन की जानब से। पेशावर नंगियाली जूनियर तरफ से दोनों बैट्समैन कमरान और आफ्ताब, एक अच्छा आगाज दोनों की तरफ से और एक ओवर के अंदर 14 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। 152 किए हैं डायमंड अकेडमी ने और 153 करने पड़ेंगे पेशावर नंगियाली जूनियर को। यह मैच जीतने के लिए ओपनिंग कर रहे हैं आफ्ताब और कामरान। एक ओवर के अंदर 14 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं पेशावर नंगियाली जूनियर।
सात ओवर के इख्तिताम पर 65 रन, दो विकेटों का नुकसान पेशावर नंगियाली जूनियर। सात ओवर के इख्तिताम पर 5 रन, दो विकेटों का नुकसान और टारगेट दिया है 152, और यह मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर को 153 करने पड़ेंगे। दो विकेटें गिर चुकी हैं आफ्ताब और कमरान की शक्ल में, दो आउट होकर अपने फील्डिंग जानी पड़े। सातवें ओवर का खेल खत्म, 65 रन, दो विकेटों का नुकसान पेशावर नंगियाली जूनियर।
9 ओवर के इख्तिताम पर 74 रन, 3 विकेटों का नुकसान। चार नजर आए जूनियर मोहम्मद आते बॉलिंग करते हुए और यहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे। कंफ्यूजिंग ही दसवें ओवर का खेल जा रही है सारी। 75 रन, 3 विकेटों का नुकसान। दसवें ओवर का खेल जारी है सारी। 3 विकेटों का नुकसान। अच्छा यहाँ पर कट किया गर्क ने, बॉल बाउंड्री की तरफ पड़ती हुई और यहाँ पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। और बढ़ता हुआ 77, 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल जारी 77 रन, 3 विकेटों का नुकसान। और यहाँ पर स्वीप शॉट खेलने जाते थे नाकाम हुए, कोई रन पैदा बना हुआ। 10 ओवर के इख्तिताम पर 77 रन, 3 विकेटों का नुकसान, पेशावर नंगियाली जूनियर। 10 ओवर के इख्तिताम पर 77 रन, 3 विकेटों का नुकसान, पेशावर नंगियाली जूनियर।
ग्यारहवें ओवर का खेल जा रही है सारी 84 रन 3 विकेटों का नुकसान सॉरी 12वें ओवर का खेल जा रही 85 रन 3 विकेटों का नुकसान। मोहम्मद आका बॉलिंग रही यार आए बॉल की और अच्छा मैदान पर खेला। एक रन का इजाफा और अब मोहम्मद आकब की बॉल का सामना करेंगे जर्क आए बॉल की और लेग साइड पे खेला एक रन का इजाफा। लास्ट बॉल करेंगे मोहम्मद आकब सामना करेंगे अब्दुल जबार आए बॉल की और यहाँ पर क्या अच्छी स्वीप शॉट खेली मिस फील्ड की गई दूसरे रन के लिए पलटे और यहाँ पर 2 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 89 3 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर 89 रन 3 विकेटों का नुकसान। बारह ओवर के इख्तिताम पर 89 रन 3 विकेटों का नुकसान। बॉलिंग के लिए आए हैं फाज सामना करेंगे जर्क अच्छा यहाँ पे जर्क ने खेला लेग साइड पे एक रन का इजाफा। तेरहवें ओवर की पहली बॉल हुई और 9 स्कोर 3 विकेटों का नुकसान। फाद बॉलिंग के लिए तैयार सामना करेंगे अब्दुल जबार और यहाँ पर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे काफी जोरदार अपील भी की गई लेकिन अंपायर का कोई सिग्नल नहीं नॉट आउट। तेरहवें ओवर का खेल जा रही 9 स्कोर 3 विकेटों का नुकसान। और यहाँ पर एक और स्वीप शॉट खेली लेकिन बॉल सीधी पीछे जाने 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर लेकिन यहाँ पर अंपायर की तरफ से इशारा लेग साइड से वाइड बॉल और साथ साथ कीपिंग से मिसफील्ड बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर 5 रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 95 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग के लिए तैयार फाज सामना करेंगे अब्दुल जबार एक और स्वीप शॉट खेली और यहां पर मिस फील्ड की गई बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर स्कोर बढ़ता हुआ 99।
तीन विकेटों के नुकसान पर मजीद 54 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट, सामना करेंगे अब्दुल जब्बार। लेग साइड पे खेला, सिंगल के लिए एक रन का इजाफा, सेंचुरी रन कंप्लीट हुआ यहां पर तीन विकेटों के नुकसान पर। लास्ट बॉल करेंगे फास्ट, सामना करेंगे जर्क। फाद आए बॉल की, बैक फुट पर जाके खेला, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 101 तीन विकेटों के नुकसान पे। 13 ओवर के इख्तिताम पर 101 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग के लिए आया मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आकिब बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे जर्क। आकिब बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे जर्क। आए बॉल की और यहाँ अच्छा बॉल किया, कोई रन का इजाफा ना हुआ। आकिब बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे जर्क, स्कोर बढ़ता हुआ 101 तीन विकेटों के नुकसान पे। आए बॉल की और यहाँ पर एक जोरदार अपील भी, लेकिन अंपायर का कोई सिग्नल नहीं, नॉट आउट, बॉल डॉट करने में कामयाब आकिब। बॉलिंग में तैयार आकिब, सामना करेंगे जर्क, अच्छा बॉल यहाँ पर आकिब की जानिब से, तीन बॉल की, तीन डॉट बॉल कराई, कोई रन का इजाफा ना हुआ। और यहाँ पर दूसरे रन की पलटे और दो रन बनाने में कामयाब, चार बॉल पर दो रन दिए अभी तक आकिब ने। स्कोर बढ़ता हुआ 103 तीन विकेटों के नुकसान पे। एक दफे एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन का इजाफा ना हुआ। लास्ट बॉल करेंगे आकिब, सामना करेंगे जार। लेग साइड पे खेला और एक रन का इजाफा, तीन रन बने इस ओवर के अंदर, स्कोर बढ़ता हुआ 104 तीन विकेटों के नुकसान पर। पेशावर नंगियाली जूनियर 14 ओवर के इख्तिताम पर 104 रन तीन विकेटों का नुकसान। आकिब के ओवर के अंदर तीन रन इस रन बनाने में कामयाब हुए पेशावर नंगियाली जूनियर के बैट्समैन। चौदह ओवर के इख्तिताम पर 104 रन तीन विकेटों के नुकसान पे पेशावर नंगियाली जूनियर के। बॉलिंग के लिए आए हैं समी, सामना करेंगे जर खान। बॉलिंग के लिए है समी उल हक, सामना करेंगे जर खान। 15 ओवर का खेल जारी, जरक खान तारिक भाई भाग गए, पता नहीं कहां चले गए। 14 ओवर के इख्तिताम पर
104 रन और 3 विकेट नुकसान। एक अच्छा शॉट जो कि एक्स्ट्रा कवर पर खेला और यहां पर बॉडी को सेव किया, लेकिन अच्छी रनिंग, दो रन बनाने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 106, 3 विकेटों के नुकसान पे। 15वें ओवर का खेल जारी है। सारी समय बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे जरक खान। आए बॉल की और यहाँ पर अच्छा एक्स्ट्रा कवर पे खेला और मिस फील्ड की गई बॉल, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या उम्दा जरक खान की तरफ से शॉट जो कि एक्स्ट्रा कवर के पास होता हुआ, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 110, 3 विकेटों के नुकसान पे। 15वें ओवर का खेल जारी है। सारी बॉलिंग के लिए तैयार, समय सामना करेंगे जरक खान। आए बॉल की और अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब, अच्छा कमबैक समय की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 110, 3 विकेटों के नुकसान पे। पशावर नंगियाली जूनियर, 15वें ओवर का खेल जारी। आए बॉल की और यहाँ पर लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लेग साइड पे खेला, दूसरे रन के लिए पलटे और एक रन पे इत्तफाक, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 111, 3 विकेटों के नुकसान पर। सेकंड लास्ट बॉल करेंगे, समी सामना करें अब्दुल जबार। आए बॉल की और यहाँ पर अब्दुल जबार ने कट किया, एक रन का इजाफा और यहाँ पर ओवर थ्रो की गई, दूसरा रन के लिए पलटे, वेट करवाया, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 112, 3 विकेटों के नुकसान पे। लास्ट बॉल करेंगे शमी, बॉलिंग इतिहास समय सामना करेंगे जरक खान। आई बॉल की और यहाँ पर अच्छा मैदान पर खेला, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 113, 3 विकेटों के नुकसान पर। 15 ओवर के इंतजाम पर 113, 3 विकेटों का नुकसान। मजीद 30 बॉल पर 40 रन। वो उस ऑफ स्पिनर पे देखो, चार चार रन कवर निकाल रहे हैं भाई, उसमें तो तुम सही बारी करो ना। लेफ्ट आर्म को सब बोला उन्होंने, कितना बेचारे को लाल को अच्छे बॉलों को उन्होंने मारा है और वो डीली डीली पे ये फंसे हैं। 30 पे 40 रहता है, ये उधर से अनाउंस करें, इससे प्रेशर आवाज में आ जाएगी। इधर ही गलत ही सुनिया, इधर ही गलत ही सुनिया, आप अनाउंस कर दो ना। लास्ट 5 ओवर का खेल बाकी, 30 बॉल पर 40 रन चाहिए। पेशावर नंगियाली जूनियर को यह मैच जीतने के लिए लास्ट 30 बॉल पर 40 रन। 15 ओवर के इख्तिताम पर 113 रन, 3 विकेटों का नुकसान। मजीद 40 रन चाहिए 5 ओवर के अंदर यह मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए आया है शौकत, सामना करेंगे जरक खान।
बॉलिंग के लिए तैयार। स्टार्ट लिया अंपायर का, क्या बॉल की और यहाँ पर अच्छा बॉल किया शौकत खान ने, अच्छा बॉल किया, पहला बॉल नोट करने में कामयाब। बॉलिंग ले जाए शौकत, सामना करेंगे जरक खान। स्टार लिया अंपायर का, क्या बॉल की और यहाँ पर अच्छा शॉट मेड ऑफ पर खेला, एक रन का इजाफा और अब सामना करेंगे अब्दुल जबार। 39, 28 बॉले, 28, 39, दो बॉले हुई है। स्कोर बढ़ता हुआ 114, तीन विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर का खेल जारी है सारी। बॉलिंग के लिए तैयार चौका, सामना करेंगे अब्दुल जबार। स्टार लिया अंपायर का, क्या बॉल की, लेग साइड पे खेला और यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथ में बॉल और कोई रन का इजाफा ना हुआ। सोलह ओवर का खेल जारी, स्कोर बढ़ता हुआ 114, तीन विकेटों के नुकसान पे। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत खान, सामना करेंगे अब्दुल जबार। स्टार लिया, स्टार लिया अंपायर का, क्या बॉल की और यहाँ पर अच्छा कट किया अब्दुल जबार ने, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 115, तीन विकेटों के नुकसान पर पेशावर नगियाली जूनियर। अब शौकत खान बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे जरक खान। अच्छा शॉट जरक खान की जानेब से, बॉल चार रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर, क्या उम्दा शॉट खेला, गैप शॉट, चार रन के लिए बॉल बॉडी लाइन से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 119, तीन विकेटों के नुकसान पर। लास्ट बॉल करेंगे शौकत खान, सामना करेंगे जर खान। स्टार्ट लिया अंपायर का, क्या बॉल की और यहां पर अच्छा यॉर्कर, अंपायर की उंगली हवा में, LBW आउट, जरकान आउट होकर अपने बोलिंग यानी बड़े, आउट होकर अपने बोलिंग यानी बड़े, एक अच्छा कमबैक बैक डायमंड अकेडमी मैच में कमबैक करती हुई, अच्छी विकेट ली शौकत खान ने। स्कोर बढ़ता हुआ 119, चार विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर के इख्तिताम पर 119 रन, चार विकेटों का नुकसान, मजीद चार ओवर का खेल बाकी। मजे 24 बॉल पर 34 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली को। लास्ट 24 बॉल 34 रन ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर को, 16 ओवर के इंतजाम पर 119 रन, चार विकेटों का नुकसान, पेशावर पेशावर नंगियाली जूनियर और न्यू आने वाले बैट्समैन जर खान को रिप्लेस किया आयान खान। बॉलिंग के लिए आया समी, सामना करेंगे अब्दुल जबार।
पूरे नहीं चले अंदर ने ना निकले आया नहीं बस के एक अच्छा आकाश और अब्दुल जब्बार की जानिब से गैप शॉट बहुत चार रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर समी आए पहली बॉल पर एक अच्छा अब्दुल जब्बार की जानिब से कट शॉट चार रन के लिए बॉल बॉडी लाइन से बाहर स्कोर बढ़ता हुआ 123 रन चार विकेटों के नुकसान पे सतारवे ओवर का खेल जारी है सारी मजीद 23 बॉल पर 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मजीद 23 बॉल 30 रन चाहिए यह मैच जीने के लिए स्टारनर का खेल जारी है सारी 123 रन चार विकेटों के नुकसान समी बॉलिंग के लिए तैयार सामना करेंगे अब्दुल जब्बार आए बॉल की और यह लेग साइड पे खेला दूसरा रन लेने के लिए रेट करवाया यहां पर एक रन पे इत्तेफाक किया स्कोर बढ़ता हुआ 124 चार विकेटों के नुकसान पर बॉलिंग के लिए तैयार समी सामना करेंगे न्यू आने वाले बैट्समैन अयान समय बॉलिंग तैयार सामना करेंगे नए आने वाले बैट्समैन अयान बॉल की और यहां पर एक जोरदार अपील भी अंपायर का कोई सिग्नल नहीं नॉट आउट बड़ी जोरदार अपील थी कीपर की जानिब से अंपायर का कोई सिग्नल नहीं और यहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल स्कोर बढ़ता हुआ 125 सतारे में ओवर का खेल जारी स्कोर बढ़ता हुआ 125 चार विकेटों के नुकसान पे एक दफे बॉलिंग के लिए समय आया बॉल की और अच्छा यहां पर आया ने खेला एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 125 चार विकेटों के नुकसान पे समय बॉलिंग तैयार सामना करेंगे अब्दुल जब्बार और यहां पर स्वीप शॉट खेलना चल रहे बैट हुए अच्छी विकेट ली यहां पर अब्दुल जब्बार की अब्दुल जब्बार आउट होकर अपने बॉलिंग यानी बड़े क्या उम्दा बॉलिंग की यहां पर समीर है अच्छा कम बैक करती हुई डायमंड अकेडमी की टीम एक बार फिर मैच में जब्बार आउट होकर अपने बॉलिंग यानी बड़े स्कोर बढ़ता हुआ 126 पांच विकेटों के नुकसान पर मजीद यह 27 रन चाहिए मैच जीतने के लिए लास्ट 20 बॉल पास 27 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंग्याली जूनियर को 5 विकेट गिर चुकी है 126 रन पर 5 विकेट पेशावर नंग्याली जूनियर 127 पांच विकेटों के नुकसान पे काफी दिलचस्प मैच में जा रहा हूँ मैं समी आए बॉल की लेग साइड पे खेला यहाँ पर अमार ने और एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 128 पांच विकेटों के नुकसान पे बढ़ता हुआ 128 पांच विकेटों के नुकसान पर मजीद 18 बॉल 25 रन मजीद 18 बॉल 25 रन 25 रहता है 25 तीन ओवरों में
लास्ट 18 बॉल पर 25 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगीना जोड़ी है। सतारा ओवर के इख्तिताम पर 128 रन 5 विकेटों का नुकसान मजीद 18 बॉल पर 25 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉली के लिए आया आसिम, सामना करेंगे अमार। अमार है ना सामने। लास्ट 18 बॉल पर 25 रन स्टार लिया बरगास किया बॉल की और एक अच्छा शॉट मार दिया ने से बॉल बॉडी तरह बड़ी और चार रन के बॉल बॉडी लाइन से बाहर। क्या अच्छा शॉट उम्दा शॉट बॉल चार रन के बॉडी लाइन से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 132 पांच विकेटों के नुकसान पे और यहाँ पर एक और शॉट अगेन चार रन खेला अमार ने। एक और शॉट चार रन खेला अमार ने। स्कोर बढ़ता हुआ 136 पांच विकेटों के नुकसान पे 18 मिनटों का खेल जारी है। सारी 16 बॉल पर 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगेली जूनियर। लास्ट 16 बॉल 17 रन बॉलिंग के लिए तैयार आसिफ खान सामना करेंगे अमार। स्टार लिया अंबर खास किया बॉल की और यहां पर लेग साइड खेला एक रन का इलावा स्कोर बढ़ता हुआ 137 पांच विकेटों के नुकसान पे 18 रन का खेल जारी है। सारी मजीद 15 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 15 बॉल पर 17 रन। अच्छा बॉल यहाँ पर डोर करने में कामयाब आसिम खान 14 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगीना जूनियर को। बॉलिंग के लिए तैयार आसिम खान सामना करेंगे अयान। स्टार लिया बरगास किया बॉल की और यहाँ पर और अच्छा बॉल डोर कॉर्नर में कामयाब मजीद 13 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 13 बॉल पर 16 रन। लास्ट 13 बॉल 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार आसिम सामना करेंगे अयान। स्टार लिया अंबर का क्या बॉल की और यहाँ पर अच्छा बॉल किया और यहाँ पर बोल्ड कर लिया। क्या अच्छा बॉल किया आसिफ खान ने अयान को बोल्ड कर दिया। अयान बोल्ड होकर अपने बॉलिंग यानी बड़े 137 हो गया स्कोर बढ़ता हुआ 137 7 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर बढ़ता हुआ 137 6 विकेटों के नुकसान पे लास्ट 12 बॉल। लास्ट 12 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगीना जूनियर को। 6 विकेट गिर चुकी है इस टाइम तक। कौन है नया? हेलो नया बिलाल है। बिलाल 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 है आ गया मैसेज मुझे।
बॉलर का बताना। असम का खत्म हो गया बात। लास्ट 12 बॉल 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगाली गिरर को। बॉलर कौन सा लगा है? दो ओवर में 16 चाहिए मोहित भाई। बॉलर दो ओवर में 16, दो ओवर में 16 चाहिए। न्यू आने वाले बॉलर शॉट। बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे अमर। लास्ट 12 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हाई बॉल की और यहाँ पर अच्छा मिड ऑफ पर खेला, एक रन का इजाफा। 11 बॉल पर 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जीनियर। स्कोर बनता हुआ 138 6 विकेटों के नुकसान पे। लास्ट 11 बॉल 15 रन बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे न्यू आने वाले बैट्समैन बिलाल। अच्छा शॉट खेला और यहाँ पर अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर बार किया, एक अच्छा कैच एक और जगह करती है पेशावर नगियाली जूनियर की। बिलाल की शक्ल में एक उमदा कैच नवाब की जानिब से, शानदार साथ दिया बॉलर का नवाब ने और सातवीं विकेट गिरती हुई पेशावर नगियाली जूनियर की। मजीद 10 बॉल पर 15 रन न्यू आने वाले बैट्समैन सलमान और सल्लू। न्यू आने वाले बैट्समैन सलमान सल्लू। लास्ट 10 बॉल 15 रन, 7 आउट हुए 7। लास्ट 10 बॉल 15 रन न्यू आने वाले बैट्समैन सलमान सल्लू। बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे सलमान सल्लू। लास्ट 10 बॉल 15 रन, 10 बॉल 15 रन। बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे सलमान। हाय बॉल की और यहां पर अच्छा शॉट खेल दिया सामने किया ने, अच्छी फील्डिंग और दूसरे रन के लिए दौड़े और दो रन बनाने में कामयाब हुए। दो रन बनाने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन की एक अच्छी रनिंग। 13 रन चाहिए 9 बॉल पर। लास्ट 9 बॉल 13 रन स्कोर बनता है 140 7 विकेट के नुकसान पे। लास्ट 9 बॉल 13 रन बॉलिंग के लिए फास्ट सामना करेंगे सलमान और यहाँ पर अच्छा बॉल फाउल गया से सलमान सल्लू। बॉल होकर अपने बोलिंग यानी बड़े 8 विकेट गिर चुकी है इस टाइम पेशावर नगियाली जूनियर की। सलमान सल्लू बॉल होकर अपने बोलिंग यानी बड़े मजीद 8 बॉल पर 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे आप आसिफ। लास्ट 8 बॉल 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नगियाली जूनियर। और यहाँ पर लेफ्ट साइड खेला एक रन का इजाफा 7 बॉल पर 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। लास्ट 7 बॉल 12 रन इसके बाद वाला अरीब कैसे खेलते हैं? बॉलिंग के लिए तैयार फास्ट सामना करेंगे अमर। कदमों का इस्तेमाल किया और अच्छा शॉट खेला एक रन का इजाफा हुआ। रेक 6 बॉल 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। लास्ट 6 बॉल 6 पे 11 रह गया ना, हां 6 पे 11।
लास्ट 6 बॉल 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पेशावर नंगियाले जूनियर लास्ट 6 बॉल 11 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाले जूनियर। स्कोर बढ़ता हुआ 142 8 विकेटों के नुकसान पर, स्कोर बढ़ता हुआ 142 8 विकेटों के नुकसान पे। देखते हैं लास्ट ओवर किसको दे रहे हैं उनके कैप्टन। मोबाइल पे ही कर रहा हूं ना, ये तो शूट बना रहा हूं। बॉलिंग के लिए आए हैं शौकत खान, सामना करेंगे अमर। लास्ट 6 बॉल 11 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 142 8 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट 6 बॉल बॉलिंग के लिए तैयार शौकत खान, सामना करेंगे अहमद। जल्दी जल्दी ये 6 बॉल कर लो यार, बैटरी बहुत होगी, 20% होगी। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत खान, सामना करेंगे अमर। लास्ट 6 बॉल पर 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर। स्टार लिया अमर का क्या बॉल थी और यहाँ पर अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब। लास्ट 5 बॉल पर 11 रन, अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब शौकत। लास्ट 5 बॉल पर 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर, सामना कर रहे हैं अमर। रनिंग पे साथ दे रहे आसिफ, फील्डिंग में चेंजिंग की गई और लास्ट 5 बॉल 11 रन। देखते हैं क्या होता है। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत, सामना करेंगे अमर। काफी दिलचस्प मराहल पे जाता हुआ मैच जो कि डायमंड कार्डिनल से पिछाड़ने का जूनियर शौकत स्टार लिया अंपायर का क्या बॉल की और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। लास्ट 5 बॉल 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। लास्ट 5 बॉल 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत, सामना करेंगे अमर। पूरी टीम की निगाह अमर पर, देखते हैं अमर क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत, सामना करेंगे अमर। 5 बॉल पर 10 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 143 8 विकेटों के नुकसान पर। स्टार लिया अंपायर का क्या बॉल की और यहाँ पर बड़ा शोर खेलने की कोशिश की लेकिन 1 रन बनाने में कामयाब। लास्ट 4 बॉल स्कोर बढ़ता हुआ 144 8 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट 4 बॉल 9 रन, लास्ट 4 बॉल 9 रन। दूसरा भी नहीं बना सकते, फील्डिंग बहुत टाइट है, पक्का हिट लग जाएगा ना उसका। लग चल चल पक्का मिडल हो रहा है, हिट सही कर रहा है ये खड़ा हुआ। लास्ट 4 बॉल इधर मारे, इधर मारेगा ना। 9 रन। बॉलिंग के लिए क्या शौकत, सामना करेंगे आसिफ। स्टार लिया अंपायर का क्या बॉल थी और यहाँ पर लंबा शॉट करने की कोशिश की, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे और 9 रन बनाने कामयाब। लास्ट 3 बॉल 7 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 146 8 विकेटों के नुकसान पे। लास्ट 3 बॉल पर 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत खान, सामना करेंगे आसिफ। लास्ट 3 बॉल पर 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर। काफी दिलचस्प बनाया जाता है मैच। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत, देखते हैं लास्ट 3 बॉल पर क्या होता है। स्टार लिया अंबर का क्या बॉल थी और यहाँ पर एक और अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे लेकिन 1 रन का तो हो गया। लास्ट 2 बॉल 6 रन, लास्ट 2 बॉल पर 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर। लास्ट 2 बॉल 6 रन,
लास्ट दो बॉल 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाले जूनियर। स्कोर बढ़ता हुआ 147 8 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट दो बॉल का खेल बाकी, सामना करेंगे अमार है ना सामने। दो बॉल बाद 6 रन। बॉलर का नहीं मसला, वो यार बैटरी खत्म हो रही है मेरी। लास्ट दो बॉल का खेल बाकी, 6 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाली जूनियर। काफी दिलचस्प मैच में जाता हूँ मैच, देखते हैं लास्ट दो बॉल पर क्या करते हैं। बॉलिंग के इतिहास शौकत खान सामना करेंगे अमार। लास्ट दो बॉल 6 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाले जूनियर। बॉलिंग के लिए तैयार। लास्ट दो बॉल 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। यहाँ पर अमार अमार को मियन डालो ने छक्का चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर नंगियाले को। स्टार ने बर्दाश्त किया बॉल की और यहाँ पर एक अच्छा शॉट। लास्ट एक बॉल 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, सामना करेंगे आसिफ। फील्डिंग में बॉल तब्दीली की गई और यहाँ पर आसिफ खान पर लास्ट बॉल पर देखते हैं आसिफ खान क्या करते हैं। लास्ट बॉल पर आसिफ खान सामना करेंगे एक बॉल 5 रन। अगर यहाँ पर चौका लगता है तो ये मैच लेवल हो जाएगा, अगर यहाँ पर चक्कर काटे तो ये मैच विन करेंगे पेशावर नंगियाले जूनियर। बॉलिंग के लिए क्या शौकत खान सामना करेंगे पेशावर नंगियाले जूनियर के। एक बॉल पर 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉलिंग के लिए तैयार शौकत खान सामना करेंगे आसिफ। अंबरगा क्या बॉल के और यह बॉल अच्छा शॉट और बॉल 4 रन के लिए बॉडी लाइन से और क्या शानदार शॉट खेला आसिफ ने पेशावर नंगियाले जूनियर से यह मैच विन करा आसिफ ने। और यह बार यह मैच पेशावर नंगियाले जूनियर ने विन किया, जिस तरह का रावत था तो मैच हुआ इसी तरह आज पेशावर नंगियाले जूनियर के दर्शन आसिफ ने यह मैच विन करा। लॉ छक्का लगाकर और यहाँ पर एक अच्छे हीरो बन गए पेशावर नंगियाले जूनियर में आसिफ।